हाँ ओटीपी होगा आपके पास, एक 7312। ये आपके क्या पास है? देखो इस पे लिखा रहता है मीट एट रोड साइड। नहीं आपके ऐप में जाओ बुक करते हैं ना, जानबूझ के जानबूझ मैंने के गेस्ट बोला था, क्योंकि फिर ये लग ना डिलीवरी वालों की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी आदत है, मैं ऐसी जिस सोसाइटी में जाता हूँ तो मैं ऐसी कर लेता हूँ। तो भाई आज है संडे और संडे को 1:21 हो रहा है 14 जनवरी, और हमने पहली ट्रिप जो एक्सेप्ट करी है वो करी है अंकल डिलीवरी की। न जाने क्यों यार मुझे धीरे धीरे अंकल डिलीवरी से प्यार होता जा रहा है, और कुछ खासियत है अंकल डिलीवरी में जिसलिए मैंने ये किया। अब ये जो ट्रिप है ना ये हमारी काफ़ी लंबी ट्रिप है, 330 रुपये की ट्रिप है, और ये होने वाली गुड़गांव बादशाहपुर की। तो इसको एक्सेप्ट करने की पीछे की क्या वजह है वो मैं सारी जानकारी दूंगा आपको। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आज पहली ट्रिप गुड़गांव की इसलिए एक्सेप्ट की क्योंकि आज संडे है। तो भाई अपना पार्सल यहीं से पिकअप होना, अली विलेज आ गया हूँ मैं, और मेरी बात हो गई कस्टमर से। तो ये वाला है अपना अली विलेज से अपना होने वाला। हाँ जी भैया, गुड़गांव का है? कोई कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। आपने मुझे दे दिया तो फिर समझ लो मेरी जिम्मेदारी बन गई है। अभी वहाँ पर कौन लेगा ये, वहाँ कौन लेगा ये? बुक कितना करा आपने, करा क्यों? अदर पार्टी। चलो ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों रो रहा है ये कुत्ता? ये रोना बड़ा अशुभ होता है। और एक जिसके घर के आगे रो रहा है वो सबसे ये तकलीफ में है, इसको बहुत तकलीफ है। क्या करें भाई, जिंदगी का ऐसा ही है। ठीक है ये मोड़ दिया मैंने थोड़ा सा, कुछ कागज है ना इसमें। अंकल डिलीवरी पहली बार सुना है? अरे क्या बात है, बहुत पुरानी है अंकल डिलीवरी। पोर्टर से पुराना क्या है, पहले ना लाला मूवर नाम से कंपनी थी। वो लाला मूवर क्या है, चाइनीज थी तो भारत में बैन हो गई थी। तो उसके बाद लाला मूवर की जो कर्मचारी वगैरह अधिकारी वगैरह थे उन्होंने क्या किया इसको। अच्छा आपने नंबर भेजा? अब देखो आई हैव अराइव कर दिया, यानी कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ये अब जताना है मुझे। अब उसके बाद ये दूसरी लोकेशन हमारी खुल गई है, पारस सेक्टर 70 में जाना है, ना? चलो ठीक है, पेमेंट इनकी वही करेंगे ना। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भैया थैंक यू। अभी दूसरी लोकेशन हम लोग ऑन कर लेते हैं, और ये हमारी जो ट्रिप होने वाली भाई साहब 45 किलोमीटर के 330 है, उसमें कमीशन भी है कंपनी का, तो कुल मिलाकर वही 7.75-7 रुपये का रेट आने वाला है। अब देखो मैं एकदम खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, लिफाफा मैंने बैग में रख लिया। अब मुझे यहाँ से अगर कोई सवारी भी मिल जाए तो मैं सवारी भी ले सकता हूँ। एक खासियत और है अंकल डिलीवरी की, अभी पहले हम लोग बाहर निकलते हैं यहाँ से, फिर मैं बताता हूँ। ये अली विलेज वाला रोड है, बाहर सामने मथुरा रोड आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर बहुत फूड की डिलीवरी की हुई है जोमेटो की। चक्कर ये है कि चलो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या सारी रात की, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्क है बहुत बड़ा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ा पार्क है। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में क्या है यहाँ सारे के सारे जो बेवड़े हैं ना, चोरी चकारी लूटपाट वगैरह होती है, और जोमेटो के बहुत लड़कों के साथ यहाँ पर लूटपाट हो भी चुकी है। और रात को अगर 10 बजे के बाद अली विलेज का ऑर्डर आ जाए तो समझ लो कि फिर वो राइडर ट्रिप को कंप्लीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सामने देखो पार्क है, इतना बड़ा पार्क है भाई साहब, यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं क्रिकेट आराम से। ये आ गया अपना मथुरा रोड चेन्नई एक्सप्रेस। बाकी आप देखोगे ये लोग ना रोंग साइड आते हैं यहाँ पे, रोंग साइड आने की वजह ये देखो ई रिक्शा भी रोंग साइड आ रहा है, क्योंकि ना अगर अपने साइड से जाएंगे ना तो भाई फिर वो सीधा जाकर अपोलो हॉस्पिटल से मिलेगा इनको यू टर्न नहीं है, इसलिए लोग रोंग साइड आते हैं यहाँ पे। और हम लोग सीधा फ्लाईओवर से चढ़ के अपना सूरजकुंड वाले रोड को पकड़ेंगे। बाइक की चैन यार बहुत आवाज़ कर रही है, थोड़ी बाइक की चैन टाइट करवाऊँ पहले मैं, एक मिनट। अरे रसीला भाई थोड़ी चैन टाइट कर देना, बड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ी चैन टाइट करवाऊँ पहले इसकी मैं। तो भाई चैन टाइट कर रहा हूँ, बाइक पूरी गंदी हो रखी है एकदम, बिल्कुल सड़ रखी है बाइक एकदम। और मैंने तो आप देखा है कि इंडिकेटर टूटा पड़ा है, कल इंडिकेटर का काम करवाएंगे।
इंडिकेटर है, पूरी बाइक की सर्विस ही होगी कल यार। आज मैं सर्विस ही करवाता, पर क्योंकि कल मैंने काम नहीं किया था ना, तो मेरे अंदर कीड़ा है यार, काम ना करूँ तो मज़ा नहीं आता। आज पूरी देखो बाइक गंदी हो रखी है एकदम। तो पहले गुड़गांव का ये वाला पार्सल डिलीवर करेंगे। तो भाई ब्रेक व्रेक टाइट हो गई है, चैन टाइट करवा ली, चैन खटक रही थी, खड़खड़ कर रही थी। हालांकि वैसे काम मांग रही है बाइक, पर आज का दिन मैंने टाला है। तो सामने सूरज कुंड है और हम उड़ जाएंगे इधर गुड़गांव के लिए। और यहाँ भी देखो ग्राउंड पूरा भरा हुआ है, क्रिकेट खेल ले यार। हमारे को भी हफ्ते में एक दिन क्रिकेट खेलना चाहिए, संडे को सारे राइडर अपना आराम से क्रिकेट खेलो। कोई ऐसा वो बनाना पड़ेगा कि मेजोरिटी। और ये हीरोज गार्डन चलते यार, मेरे को और पार्सल का लालच नहीं है, अगर थोड़ा वेट करूँ तो और पार्सल मिल सकता है मेरे को। जैसे सूरजकुंड क्रॉस करता हूँ ना, तुरंत ट्रिप बजनी स्टार्ट हो जाती है। ओला उबर रैपिडो तीनों के तीनों हाई अलर्ट हो जाते हैं। ये देखो कहती देखो बज रहा ना, ये सब वही छोटी छोटी ट्रिप है। अंदर कहीं से जाएगा वो ग्रीन फील्ड में से, और बाहर निकलना होता है इनको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर सुविधा अच्छी नहीं है, मतलब कि है ही नहीं, ना के बराबर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो छोटी छोटी ट्रिप यहाँ पर लगातार बसती रहती है, कभी ऊबर पर बज रही है, कभी ओला बज रही है। ये देखो ये खड़ा हुआ, ये भी बुक कर रहा। गुड़गांव का एक बार को होता तो मैं ले भी लेता, ये छोटे छोटे को मैं उल्टा और मेरा रूट ख़राब करेंगे ये लोग। ये देखो दोबारा बज रहा, सेक्टर 45 फरीदाबाद, क्या करूँगा इसको लेके मैं। यहाँ पर बजेगा बैक टू बैक, जहाँ का चाहिए वहाँ का नहीं बजाएंगे ये लोग, ये फालतू की ट्रिप बजाते रहेंगे बस। ये देखो उबर भी बज गया, कहाँ का बज रहा है उबर, 22 रुपये की ट्रिप बज रही है उबर पे। ये देखो 42 रुपये की ट्रिप बज रही है ओला पे। ओला उबर और रैपिडो यहाँ पर बैक टू बैक बज रहा है, वही 40-42 रुपये की ट्रिप बज रही है सारी की सारी छोटी छोटी। पर एक बात है भाई, रैपिडो की ट्रिप बज रही है और एकदम से अगर ओला की बज जाती है ना, तो रैपिडो को दबा के फेंक देता है पीछे, ओला ऊपर आ जाता है। और ऊबर की अगर ट्रिप बजेगी तो लॉक लगाओगे तो पहले लॉक खोलो, ये खोलो वो खोलो, तब जाके वो शो हो पाती। तब तक तो कई बार हमारे हाथ से ट्रिप भी छूट जाती है। और ये ग्रीन फील्ड है, तो ग्रीन फील्ड में अंदर से सारी ट्रिप बसती है, 1.5-2-2, 3-3 किलोमीटर का पिकअप। और ड्रॉप में वापसी सूरजकुंड के आसपास आते हैं, क्योंकि वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ तक के लिए बुक करते हैं लोग। ये है पाली रोड, ये पाली रोड पूरा 6-7 किलोमीटर का रोड है। ये है भाई वो सुपर बाइक्स का सर्विस सेंटर, पर वो चहल पहल मुझे दिख नहीं रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये है वो सर्विस सेंटर, यहाँ पर सारी स्पोर्ट्स बाइक, ओए होए अंदर सारी सर्विस हो रही है। जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी वो पूरी हुई नहीं वैसे यहाँ पे मेरी, तो चलो कोई नहीं, आगे एक और सर्विस सेंटर है वहाँ देखते हैं। यहाँ भी मेरे को वो माहौल दिखा रहे जो मैं देखना आ रहा था। मुझे लग रहा कोई ना कोई डेट फिक्स है इनकी यहाँ पर आने की, वो उसी डेट पे आते हैं लग रहा है शायद। चलो चलते हैं यार यहाँ पर, मुझे लग रहा था यहाँ पर या तो सुबह सुबह जल्दी कर आते होंगे वो लोग, तो इसलिए जिस जो कारण था मेरा आज की ट्रिप लेने का वो यही था वैसे। पर यहाँ पर वो माहौल मुझे दिखा नहीं, हो सकता यार अंदर सिक्योर कहीं छुप छुपा के खड़े होते होंगे, कह नहीं सकता भाई। पर सोचा तो मैंने यही था कि यार संडे है मैं चला जाता हूँ, कोई नहीं भाई पार्सल डिलीवर करते हैं चल के पहले। ये है बादशाहपुर वाला अंडरपास, ये सीधा द्वारका वाला जो रोड है ना वो है, ये NH 48, ये द्वारका के लिए जाता सीधा। और ये अभी खोला है इन्होंने, ये दिवाली पे खोला है वाला रोड, जो अंडरपास खोला है इन्होंने बादशाहपुर वाला। सामने वहाँ डिलीवर होना पार्सल किया है। मैंने जानबूझ के उन्हें गेस्ट बोला था, क्योंकि फिर ये लोग ना डिलीवरी वालों की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी आदत है मैं ऐसी जिस सोसाइटी में जाता हूँ तो मैं ऐसी कर लेता हूँ। अच्छा अब ये पेमेंट है सर, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। ये अंकल डिलीवरी गया है 330 रुपये। पेटीएम करेंगे आप? अराइव कर देता हूँ मैं आपके, एक सेकंड हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा यहाँ सर ठीक, पेटीएम पर 330 रुपये प्राप्त हुए। अनलोडिंग कंप्लीट कर देते हैं, कंफर्म कंप्लीट। और ये ट्रिप हो गई हमारी
कैश कलेक्टेड भी करना है यहाँ पे हमारे को, हमने कैश कलेक्ट कर लिया। यस अमाउंट सेटल्ड। अब ये हमारी ट्रिप हो गई है पूरी कंप्लीट। गिव रिव्यू, रिव्यू देना 5 स्टार दे देते हैं। सबमिट, और ये हो गई हमारी ट्रिप कंप्लीट। तो भाई यहाँ पर हमने 330 रुपये कैश कलेक्ट किए हैं, पर जो हमारी अर्निंग हुई है वो ये 297 रुपये, 45 किलोमीटर के 297 रुपये। कैलकुलेट कर लेना भाई क्या रेट पड़ा, वही 7-7.25 रुपये का रेट पड़ने वाला है। अच्छा मेरी एक आदत है, अभी मैं भी लाइन पे ही था इनकी, तो मैं गेट पे मैंने उनको गेस्ट बताया कि मैं गेस्ट हूँ। मेरी मोस्टली क्या आदत होती है, मैं ना गेस्ट ही बताता हूँ, अगर डिलीवरी बॉय बताऊँगा तो फिर ट्रीटमेंट जो है ना डिलीवरी बॉय वाला होता है। तो ये बेनिफिट हो गया। अब वो लाइन पे थे उस वक्त मेरे साथ, जिनको मैंने भी पार्सल दिया ना वो लाइन पे थे, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा जताया है, वरना कॉल कट होने के बाद ही मैं उनको गेस्ट बताता हूँ कि मैं गेस्ट हूँ, अंकल हैं वो मेरे, इस तरीके से बताता हूँ, तो वो ट्रीटमेंट जो है ना चेंज हो जाता है। डिलीवरी बॉय की जो ट्रीटमेंट होती है वो आपको पता ही है कैसे करते हैं ट्रीट, क्या है गाड़ी क्या है, उधर खड़ी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ड्रामेबाजी करते हैं, बाइक को वहाँ लगा दो, नंबर क्या है तुम्हारा, ये है वो, बहुत सारे कानून छाटते हैं। तो मैं उन सारे कानूनों से बच जाता हूँ जब मैं गेस्ट बता देता हूँ अपने आपको। बाकी भाई अपनी ड्यूटी होने यहाँ से, देखो अंकल डिलीवरी भी होना और पोर्टर भी। तो अभी मेरे को एक और ट्रिप शो कर रहा है, खांडसा से 10 किलोमीटर से पिकअप होगा, सूर्य विहार सेक्टर 21, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेने का। बाकी मैंने पारस इरेले है ना ये, यहाँ पर डिलीवर किया है सेक्टर 70A में, और ड्यूटी मेरी होने सारी। अब जैसे कि अब यहाँ से देखते हैं व्यवस्था बनाते हैं अपनी। ये भाई सेक्टर 70 से ही मेरे को उबर पर एक पार्सल मिल गया है, उसको डिलीवर करने जा रहा हूँ। और देखो यहाँ पर ये जो मार्केट है ना, ये पूरी हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, बादशाहपुर वाले रोड पे हैंडीक्राफ्ट की मार्केट लगती है। और मैंने पहले जैसे यूट्यूब पे देखा था इस मार्केट को, आज खुद ही देख पा रहा हूँ मैं यहीं पे आकर। संडे का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। और ये पार्सल उबर का है, डिलीवर्ड करना है मेरे पास रेगुलर, अंकल डिलीवर नोटिफिकेशन आ रहे हैं ट्रिप के, तो पहले 2 किलोमीटर पे ये है, इसको डिलीवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या मिलने वाला है। धीरे धीरे मैं अपनी दिशा की ओर जा रहा हूँ। उबर का पार्सल है ये, सेकंड फ्लोर पे लेके आ रहा हूँ मैं, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है बल्कि मीट एट रोड साइड। मैंने कस्टमर को बोला भी था, पर कस्टमर बोला ले जाओ। अब मैं इनको, सर ये आते क्या पार्सल, देखो इस पे लिखा रहता है मीट एट रोड साइड। नहीं आपके ऐप में जब बुक करते हैं ना तब लिखा हुआ रहता है उस पर। कंफर्म डिलीवरी, कंप्लीट डिलीवरी, देख लो कस्टमर बोलते हैं 0। कस्टमर बोलते हैं ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से देख लेंगे। अबे नेक्स्ट टाइम क्या होता है यार, हमारे को ऊपर बुला लिया है, ये दिखाने के लिए सिर्फ मैं आया हूँ। और इसमें मुझे मिलना क्या है, ये माइनस में था मेरा, 72 प्लस दिखा रहा है, माइनस कर देगा। और कस्टमर को बताने के लिए मुझे ऊपर आना पड़ा, देख लो आप। अब यहाँ से मुझे डायरेक्ट एक ट्रिप मिली है लाल किला की, और गुड़गांव में ही हूँ मैं, सेक्टर 55-60 के आसपास ही। पिकअप ले लेते हैं लाल किला। चांदनी चौक के लिए बुकिंग किया ना आपने? हाँ। ओ टी पी होगा आपके पास? 7312। ये लीजिए। बैठ जाइए। मैं चांदनी चौक जाना है ना आपको? ठीक है बैठ जाइए। आपकी लोकेशन ना वहाँ ख़त्म हो गई थी। किया किया है ना, किया शोरूम, क्या चीज़? एक मिनट बैठ जाइए। चले एक सेकंड बस, 42 किलोमीटर की ट्रिप है। के भाई पैसे तो कम शो कर रहा था, 257 रुपये कुछ शो कर रहा था। बाकी चलते हैं देखते हैं क्या होता है।
डीएलएफ होते हुए बाहर निकल जाएंगे हम सीधा। यार ये डीएलएफ का भी नज़ारा देखो, क्या ज़बरदस्त वाला दिखता है ना, बहुत शानदार, क्या बात है। और ये ब्रेकर देखो आप, गड़गड़ गड़गड़ गड़, हाँ हाँ हाँ, कंफर्टेबल बैठे ना मैम आप, ठीक है ठीक। करवे एंट्री दिल्ली में भाई, क्या बात है, गुड़गांव से बाहर निकले टक्क से घुस। आपके आगमन के लिए धन्यवाद, कृपया पुनः पधारे, पुनः पधारेंगे, हम तो पधारते रहते हैं भैया। हम चले यहाँ से, 11 मूर्ति ये कोई ब्लॉगर है, देखो यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा है, फॉरनर है कोई, यहाँ का नहीं है, इंडिया गेट के बारे में बता रहा है। एक से एक कलाकार है भैया, ये ब्लॉगिंग कर रहा है मैम, ये ब्लॉगिंग कर रहा है, हाँ मोटो ब्लॉग, मोटो ब्लॉग वीडियो बनाते हैं ये लोग, चेक कर लेता हूँ। हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन, तो भाई चांदनी चौक में इस ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक और ट्रिप आई थी रैपिडो पर पार्सल की। मैंने अंकल डिलीवरी से 297 रुपये की कमाई करी थी जो ट्रिप मैंने करी थी। ऊबर से टोटल मेरी जो अर्निंग हुई है वो 319 रुपये की अर्निंग हुई है, और जो रैपिडो का पार्सल मैंने किया था 115 रुपये किया था, ओखला फेस वन में किसी की चुन्नी जानी थी वो मैं लेके गया था, तो टोटल जो हमारी अर्निंग हुई है वो 731 रुपये की अर्निंग हुई है, जिसमें कि हमारी जो बाइक है वो लगभग 122 किलोमीटर चली है, तो 240 रुपये का हमारा पेट्रोल गया है, और हमारी जो अर्निंग है वो वही 500-550 रुपये के आसपास है। तो ये जो अर्निंग है ये संडे की वैसे ठीक है, पर ऊबर का जो रेट है वो बिल्कुल ही बकवास रेट मिला है मेरे को, 6.25 रुपये का रेट मेरे को, 6 रुपये और 18 पैसे का, मेरे 6 रुपये 15 पैसे का रेट मुझे मिला है इस 40 किलोमीटर के ट्रिप में। तो ये इतना बकवास रेट ऊबर कंपनी ने मेरे को दिया है, और अगर इन्होंने सुबह 25 रुपये और काट लिए तो मेरा दिमाग हो जाएगा ख़राब। बाकी यार वीडियो देखो, ये वाली यहाँ तक ही है, वीडियो को लाइक कर देना, धन्यवाद।